इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट का भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इंतजार कर रहा था। लेकिन जिंदगी की तरह क्रिकेट में भी आप हर परिस्थिति पर अपना नियंत्रण नहीं दिखा सकते थे। हालांकि इसमें फर्क ये है कि क्रिकेट के पास उस उदासीनता को भरने के लिए आईपीएल जरूर है। तो इस बार भी सबकी निराशा को एंटरटेनमेंट की आशा बनाने का काम 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल का होगा, जिसकी शुरुआत होगी एक बार फिर से सीएसके और एमआई के मुकाबले के साथ। लेकिन इस सीजन आखिर हुआ क्या था, कैसी थी सभी टीमों की स्थिति, पॉइंट्स टेबल के राजा और रंक कौन थे, किस गेंदबाज के पास पर्पल और किस बल्लेबाज के पास थी ऑरेंज कैप, ये सब जानने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो। 2 मई 2021 को आईपीएल के इस सीजन का आखिरी मुकाबला खेला गया था, जिसमें दिल्ली ने पंजाब को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले के बाद आईपीएल में एक भी गेंद ना फेंकी जा सकी और आईपीएल को कोविड मामलों के चलते रोककर अगले हाफ के लिए यूएई शिफ्ट कर दिया गया। अब उसी बचे हुए आईपीएल की शुरुआत हो रही है चेन्नई और मुंबई के सीजन के दूसरे मुकाबले से। पहले मुकाबले में मुंबई और चेन्नई के बीच हुए घमासान में पोलार्ड एक शूरवीर बनकर निकले। उन्होंने 34 गेंदों में 87 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। पोलार्ड के अलावा कप्तान रोहित शर्मा 250 रन बनाकर अपनी टीम के लीडिंग रन स्कोरर बने हुए हैं। वहीं राहुल चहर अपनी कलाई के दम पर 11 विकेट चटकाकर मुंबई इंडियंस के हीरो साबित हुए हैं। हालांकि मुंबई ने इस आईपीएल की शुरुआत भी अपनी फ्रेंचाइजी की टिपिकल स्टार्ट की तरह की है, बट क्या ये इतिहास बनाएंगे, दैट वी हैव टू सी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2020 एक बुरे सपने से कम नहीं था। वो सीजन भी कोविड के चलते यूएई में खेला गया था, जिसमें सीएसके आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ का हिस्सा नहीं बन सकी थी। इस बार ये आईपीएल भारत में खेला गया, जिसमें सीएसके अपने फॉर्म में नजर आई। फाफ डुप्लेसी, सैम करन, दीपक चहर और मोइन अली का सिक्का खूब चला, लेकिन सुरेश रैना और धोनी की परफॉर्मेंस का फैंस इंतजार कर रहे हैं। जहां सीएसके के लिए अपनी लय बरकरार रखना एक बड़ा टास्क होगा, तो वहीं केकेआर के लिए बेहतर होगा कि आईपीएल के पहले चरण में जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाएं और नए वेन्यू के साथ नई शुरुआत करें, क्योंकि अभी तक केकेआर के लिए कोई भी तरकीब उनके काम नहीं आई है। तो वो इस समय पॉइंट टेबल पर 7वें स्थान पर है। केकेआर को फिलहाल इस स्थिति से उबरने के लिए नितीश राणा को जोर लगाना होगा, क्योंकि विंडीज क्रिकेट का बड़ा नाम और टी20 जॉइंट आंद्रे रसल पहले फेज में ऑफ कलर रहे, लेकिन ये कब रफ्तार पकड़ ले इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। गेंदबाजी खेमे में पैट कमिंस की ना मौजूदगी में प्रसिद्ध कृष्णा को लीड करने का मौका मिलेगा, जो टीम में एक नई ऊर्जा की तरह होगा। 20 सितंबर को आरसीबी के खिलाफ केकेआर का प्रदर्शन उनके माइंडसेट को दर्शाएगा, तो वहीं ये मुकाबला आरसीबी की निरंतरता की परीक्षा होगी। बीता फेज आरसीबी के लिए एक गोल्डन पीरियड से कम नहीं था। उन्होंने आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस को हराया। टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक अपनी काबिलियत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा हर्षल पटेल ने गेंदबाजी की कमान अपने हाथों में लेकर मात्र 7 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, जिसके साथ ही उनके पास पर्पल कैप भी है। दूसरी ओर एबी की मौजूदगी ही टीम के लिए काफी रही है, जिसमें वो अपने फैंस को कभी निराश नहीं होने देते हैं। वो कप्तान विराट कोहली ने अपने कंधों पर ओपनिंग की जिम्मेदारी ले ली है, जो टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देती दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये आईपीएल कप्तान कोहली के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, जहां एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने इस फॉर्मेट की कप्तानी से मोह भंग की घोषणा कर दी है। ऐसे में अपने कप्तानी करियर में एक टी20 ट्रॉफी को जोड़ने की जद्दोजहद को अब और भी तेजी देनी होगी। पंजाब किंग्स के लिए इस बार कप्तान केएल राहुल ने अपने प्रदर्शन के दम पर झंडे गाड़े हैं। उन्होंने 7 मुकाबलों में 331 रन बनाकर ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान राहुल ने 5 अर्धशतक लगाए हैं, वहीं वो 2 बार शतक लगाने से चूक गए थे। पंजाब के लिए विंडीज लेजेंड क्रिस गेल का टीम में होना एक वरदान के जैसा है। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने अभी तक 8 विकेट लिए हैं, लेकिन उनके ऊपर आगे आने वाले मुकाबलों की जिम्मेदारी होगी। हालांकि उनको अपने वर्कलोड को शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस आईपीएल चरण से पहले वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे और आगे वो टी20 विश्व कप में भारतीय टीम में है। ऐसे में उनको इंजरी और थकान दोनों से बचना है। राजस्थान रॉयल्स का बीता आईपीएल चरण इस टीम के लिए कुछ खास नहीं रहा। वो निरंतर प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे। कुछ उसी तरह रॉयल्स के लिए उनके रन मशीन संजू सैमसन भी रहे। वो पहले आईपीएल फेज में टीम के लिए चेस करते वक्त रन जुटाने में कामयाब हुए, लेकिन वो इस प्रदर्शन को जारी नहीं रख सके। दूसरी ओर क्रिस मॉरिस ने अभी तक टीम के लिए 14 विकेट लिए हैं, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा। अगले फेज में यूएई की पिच पर मुस्तफिजुर रहमान एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं।
इसके अलावा उनके युवा और पिछले चरण में सनसनीखेज गेंदबाज चेतन सकारिया आगे भी रॉयल्स के लिए अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। इस टीम को ऑक्शन के बाद से ही काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसमें बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, चोफरा आर्चर और एंड्रयू ट्राई जैसे खिलाड़ियों ने नाम वापसी की और टीम का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे पार पाना संजू सैमसन के लिए एक बड़ी सिरदर्द बना हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी राह आसान नहीं रही है। टॉप फोर में रहने वाली टीम आज पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म है, राशिद खान ने अभी तक रक्षक का काम किया है और आगे भी आईपीएल की यूएई में होने के चलते वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार के लिए टीम को अपनी गेंदबाजी से सहारा देने की जरूरत है। इस टीम का अगले चरण में पहुंचने से पहले जॉनी बेस्टो ने साथ छोड़ा है, जिसकी भरपाई अब शेरफिन रदरफोर्ड करते नजर आएंगे। अब बारी दिल्ली कैपिटल्स की। इस टीम ने टॉप पर रहते हुए पहले चरण का अंत किया, जिसमें उनके खाते में दो हार थी। इस टीम ने हर मुकाबले में दुश्मन खेमे को धूल चटाई। इनके बनाए कॉम्बिनेशंस सफल रहे। ऐसा लग रहा था कि आईपीएल की हवा का रुख इनके अनुसार चल रहा हो। इस टीम की ओपनिंग जोड़ी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक मिशन पर निकले हैं। गेंदबाजी में आवेश खान के होते हुए टीम को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम उभर कर बाहर आई है, जिसके कारण अय्यर की वापसी के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने पंत को कप्तान बनाए रखने पर मुहर लगा दी है। आईपीएल में फिलहाल अगले चरण में बहुत कुछ होना अभी बाकी है, जिसके लिए आप बने रहिए ईटीवी भारत के साथ और सोचिए कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी होगी किसके साथ। क्या रोहित लगाएंगे जीत की हैट्रिक या कोहली की ट्रॉफी कैबिनेट में होगी कुछ हलचल। टिल देन कीप काम एंड वॉच आईपीएल 2.0।